दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आज आम आदमी की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह हो गया है। देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, चार बार के सांसद राहुल गांधी जब संसद के अंदर बात करते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। सत्तारूढ़ दल के सांसद बहुमत के अतिवादी चरित्र का प्रदर्शन करते हुए संसद की कार्रवाई नहीं चलने देते हैं। केंद्रीय मंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए अनर्गल बयानबाजी करते हैं और जब इन सब से भी राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की आवाज को नहीं दबा पाते तो एक और षड्यंत्र रचा जाता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त करने के मामले में लेकर पत्रकार वार्ता रिसाली में आयोजित की गई और इसके माध्यम से इन सभी मामलों पर शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ने की बात कही गई। ये उनका प्रयास है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं लिखा ना लिखेंगे। ये भी सही कि राहुल गांधी जी ने मोदी समुदाय को जो बोला वो भी गलत। मोदी समुदाय को बोला है, उन्होंने व्यक्ति विशेष को कहा है, व्यक्ति विशेष को कहा है और वो पिछड़ा वर्ग से नहीं आते। देशभक्ति भावना है और हम सब कांग्रेस जन इसकी घोर रूप से निंदा करते हैं। तो पत्रकार वार्ता का हमारा यही मकसद था। तीसरा, जो इस